अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल रईस ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे रहेंगे। तो गाइस, आज हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, घर में ही हैं आज, तो फ्री टाइम था तो मेरे लड़के ने बोला करके चलो डैडी फिश टैंक को क्लीन करते। तो हम लोग ने सोचा चलो ठीक है, फ्री है तो कर लेते। काफ़ी टैंक गंदा भी हुआ था, तो कैसे टैंक साफ़ करते हैं और गंदा कैसा लगता है और जब साफ़ होने के बाद कितना खूबसूरत लगता है, एक दिल को सुकून लगता है, अच्छा लगता है कि टैंक बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है, मच्छियाँ भी एकदम कलरफुल दिखती है। तो हम लोग सोचे चलो आज टैंक साफ़ कर लेते हैं। तो आज मैं और मेरा लड़का रुमान टैंक साफ़ करेंगे ना। हाँ, अभी क्या क्या उसमें, मतलब अभी क्या क्या किया तूने अभी तक तो यही कर रहा था। मैं अभी जस्ट फ्री हुआ तो मैं बोला चलो इसके साथ हेल्प करता हूँ। तो अभी तक तूने क्या क्या किया? बस मच्छी निकाले। अभी मच्छी निकाला, छोटी छोटा टैंक हो गया। हाँ, अच्छा, छोटा टैंक हो गया। रुमान ने छोटा टैंक को साफ कर दिया है, तो जिसमें मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा है छोटे टैंक में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गोल्डफिश के बच्चे, तो मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा और वो शेयर करना था कि बच्चे कितने बड़े हुए। तो एक महीने में वो बच्चे, अभी एक महीना हो गया, एक महीना हो गया ना रुमान, बराबर एक महीना हो चुका है। तो वो बच्चे कितने बड़े हुए मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, तो दिखाता हूँ आपको, चलो। तो रुमान ने ये टैंक के लिए देखो क्लीन कर दिया है और ये बच्चे हैं, ये एक महीने हो गया इनको, ये गोल्डफिश के बच्चे, एक महीना हो गया इनको। ये गोल्डफिश के बच्चे हैं, इनको एक महीना बराबर हो गया है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हो, छोटे छोटे बच्चे थे, अभी इनको एक महीना हो गया। इसमें कोई किसी की हाइट बहुत अच्छी हो गई है। तो आपने देखा करके गोल्डफिश के बच्चे जो है छोटे छोटे एक महीने के हो चुके हैं और वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और अभी हमारा बड़ा फिश टैंक भी हम साफ़ कर रहे हैं, आप देख सकते हो बड़ा फिश टैंक भी काफ़ी गंदा हो गया था, इसका पानी हरा हो गया था। तो रुमान ने सोचा करके इसको क्लीन कर दे, आज टाइम मिला है तो मैं और रुमान क्लीन कर रहे हैं। तो रुमान ने मच्छियाँ भी निकाल लिया है टब में और उसके स्टोन्स वगैरह भी निकाल लिए हमने, जो उसमें ग्रीनरी पेड़ थे, जो पेड़ आते हैं वो निकाल लिए, उसको भी वॉश करेंगे और सॉल्ट के पानी से हमको वॉश करना है। सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करना है, जो जाड़ा नमक आता है हम बोलते हैं वो ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि उस मच्छियों के लिए जाड़ा नमक, हमको साबुन का ध्यान देना है कि साबुन बिल्कुल ना लगे, क्योंकि साबुन से मच्छी मर जाती है। साबुन का पानी भी लग गया या साबुन का टब भी है और हमको पानी भी यूज़ करना है, तो जूना पानी यूज़ करना है, मतलब जूना मतलब 24 घंटा जूना हो वो पानी यूज़ करना है। तो हम लोग हमारे टैंक में ऊपर वो पानी जूना हो गया है, 24 घंटा हो चुका रहेगा तो वो पानी जूना है, तो वही पानी मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। तो वो पानी जूना है इसलिए मच्छियों के लिए अच्छा है, नया टैप का नल का डायरेक्ट जो पानी आता है वो नया यूज़ नहीं करना है हमें। तो चलो आपको दिखाता हूँ मच्छी जो टब में निकाला है रुमान ने कैसा है, पानी ब्लर हो चुका है क्योंकि काफ़ी टाइम से, मतलब हम लोगों ने इसको साफ़ करने में लेट कर दिया ये टाइम, तो ये टाइम फाइनली आज, मतलब समझो आज हमने फाइनली साफ करने के लिए निकाले। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मच्छी जो टब में निकाला, आप देखिए मच्छी टब में कैसे निकाल चुके हैं, वीडियो नहीं बनाया उसका लेकिन निकाल के रखे हैं, तो आपको दिखाते हैं।
फाइनली अभी टैंक हो गया है साफ। रुमान हो गया ना फाइनली? हाँ। अभी क्या करना है? तो अभी पानी भरेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं पानी भरना। हाँ। चलो पानी स्टार्ट करते हैं, पाइप लगा लेते हैं और पानी स्टार्ट करते हैं। तो अब फाइनली टैंक फुल हो गया है और पानी हमने फुल कर दिया है, तो अब डालते हैं मच्छियाँ इसमें, मच्छियों को इसमें डालते हैं। रुमान पहले फ़िल्टर डाल ले, पहले फ़िल्टर डालेगा ना? हाँ पहले फ़िल्टर डाल दे आराम से, आराम से आराम से, स्लो। तो अभी हमारा सेटअप तैयार है फाइनली। देखो रुमान ने सेटअप तैयार किया, क्या लग रहा है, और रुमान की मेहनत। ये हमारा टैंक तैयार हो चुका है और रुमान ने आज शाम से मेहनत कर रहा है रुमान। और फाइनली देखो आप सेटअप देख सकते हो, कितना अच्छा सेटअप बनाया है। आज संडे का दिन हमारा, मतलब हमने कुछ काम किए संडे के दिन में भी, और रुमान ने अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया, मेरा भी अच्छा टाइम पास हो गया और हमने कुछ अच्छा काम भी कर लिया, टैंक भी साफ़ हो गया, मछलियों को भी अच्छा लगेगा घूमने फिरने के लिए। काफ़ी गंदा हो गया था, काफ़ी टाइम से सोच कर रहे थे, तो चलो अभी हम हमारी मच्छियों को इनमें डालते हैं। अब सबसे बड़ा टास्क है हमारी शार्क फिश डालना, तो शार्क फिश को डालना बहुत ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह बहुत बड़ी है और पाँचों बड़ी है, तो उसको डालने के लिए फिश टैंक में हम लोग नेट भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नेट यूज़ करेंगे तो नेट में उसके जो साइड के जो विंग्स है उसमें पॉइंट है, वो पॉइंट फंस जाता है हमेशा। तो अभी ऐसा कोई माना ऐसा फंस जाता है ना? हाँ, एक बार पूरा फंस जाता तो काटना पड़ा नेट, नेट काटना पड़ा, राइट, तो नेट काटना पड़ा। तो रुमान क्या, अभी देखो क्या लगता है, तू डालेगा या मैं डालूंगा? तेरे से नहीं हो पाया, चल एक बार ट्राई तो कर। अरे चल ना यार, एक बार ट्राई कर क्या यार, शर्माता तू, चल ट्राई कर एक बार। वो एक्चुअली इसलिए डरता है कि उसके जो विंग्स में जो काटा है वो मार देती है, वो मार देती है, तो काफ़ी सुई के जैसा लग जाता है हाथ में, तो ये तो नहीं कर पाएंगे। तो चलो अभी ये बहुत बड़ा टास्क है, तो शार्क को भी अंदर डाल देते हैं। चलिए गाइस, शार्क का आतंक है हमारे घर में, शार्क का आतंक, देखा ये काफी बड़ा टास्क है। हम लोग ये नेट से डालते हैं, ये नेट है, ये नेट से हम लोग डालते हैं। अभी आपने देखा शार्क का आतंक, देखा ना कैसा था, तो हम लोग ये जुगाड़ करके डालते हैं। तो अभी फाइनली हमारी फ़िश टैंक का काम हो गया, फ़िश टैंक तैयार हो गया है और सारी मच्छी हमने फ़िश टैंक में डाल दी है। तो और घर भी काफ़ी गंदा हो चुका था, तो घर भी साफ़ हो गया है, सब क्लीन हो गया है और मच्छियां भी सब अभी इसमें सेट हो चुकी है पानी में, क्योंकि नए पानी में अक्सर लोगों को सेट होने में टाइम ज़्यादा, लेकिन मच्छी जितनी भी थी वो सेट हो गई है और बहुत ही माशाल्लाह लग रहा है। और आपने देखा था कि शार्क की वजह से, आपने देखा था टब में शार्क काफ़ी, उसको निकालना मैंने कहा था कि बहुत ही टास्क है,
क्या बोले आयशा? हाँ निकलते टाइम पूरा पानी पानी हो गया था घर में, पूरा वीडियो में। हाँ वीडियो में अभी देखा रहेगा आपने, तो पूरा घर भी गंदा हो गया था। अब क्लीन हो गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ टैंक कितना माशाल्लाह लग रहा है, और उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। तो चलो देख, चलो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आपने देखा कितना माशाल्लाह लग रहा है टैंक। तो रुमान ने आज काफ़ी मेहनत भी किया और रुमान ने अच्छा साफ किया, तो रुमान का आज मूड भी था कि इसको क्लीन कर लेते, काफ़ी गंदा लग रहा था, मतलब चलो ठीक है आज क्लीन ही कर देते इसको। तो दोनों टैंक जो छोटे बच्चे थे उनका भी टैंक हमने क्लीन कर दिया, वीडियो में हमने शेयर किया आपके साथ। वो एक महीने के बच्चे हो चुके हैं और उनकी मम्मियाँ इसी के अंदर है, तो ये भी आज क्लीन हो गया। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। काफ़ी लोग शायद सब्सक्राइब, हाँ वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, हाँ व्यू बढ़ रहे पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों, कंजूसी ना करे, शेयर करे, कमेंट करे। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करे। तो देखो अभी हमारे हमारे दोनों बच्चे क्या बोल रहे हैं, इनकी भी वेरी गुड। रोमन तू क्या बोलना चाहता है? ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मतलब फाड़ दो एकदम। चलो ठीक है, ये रुमान बोल रहा है लाइक शेयर कर दो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हम लोग आप लोगों को। तो गाइस आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए। तो अभी हम ये मरियम आ गई है, मरियम ने पूरा घर साफ किए। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी क्या बोलना चाहिए? गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापिस नए व्लॉग के साथ।